नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि हमारे देश में गरीबी क्यों है, गरीबी का कारण क्या है। लोग पैसे कमाते हैं लेकिन फिर भी 2-4 साल 10 साल के बाद नीचे गिर जाते हैं, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न है इंश्योरेंस। अगर व्यक्ति हर स्टेप के लिए करा के रखेगा तो मैं गारंटी देता हूँ उस फैमिली में कभी भी गरीबी नहीं आ सकती। एग्जांपल, अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है तो किसी भी हॉस्पिटल का पाला पड़ जाए वो कभी इलाज के लिए पैसा खर्च करेगा नहीं। जब इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं होगा तो हमारी जो कमाई, मेहनत की कमाई रखी हुई है वो ख़त्म नहीं होगी। अब यहाँ होता क्या है कि लोग इंश्योरेंस कराते नहीं हैं, उन्होंने 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख जो कमाई रखी हुई है और एक बार हॉस्पिटल का पाला पड़ गया वो सारी कमाई हमारी उधर हॉस्पिटल में चली जाती है और फिर कहते हैं भैया हम क्या करें, हम तो मिट गए। तो इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि हम इसके साथ साथ कुछ जमा पूंजी भी करते रहते हैं। सपोर्टेड, मान लीजिए मैंने 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 जो भी महीने का हम निकाल पाएँ वो हम निकालते रहें तो हमारा धीरे धीरे अमाउंट इकट्ठा होगा। मान लीजिए मैंने 20 साल के लिए प्लान लिया तो 20 साल तक के बाद मेरा जो पैसा मिलेगा वो विद इंटरेस्ट बोनस के साथ मिलेगा, और अगर 20 साल के बीच में कोई घटना घट गई तो उसकी फैमिली को समय शॉर्ट जो दिया गया है 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो इंश्योरेंस लिया है उसने, उसका समय शॉर्ट उसके परिवार को मिल जाएगा। तो क्या उसका परिवार गरीब होगा? नहीं होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरह से हमारे, अब आ जाइए जनरल इंश्योरेंस में, हमारी गाड़ी है, मकान है, दुकान है, जो भी फैक्ट्री कंपनी जो भी हैं उनमें अगर हमने इंश्योरेंस ले रखा है उनका, और अगर कोई क्षतिग्रस्त होती है, कोई हानि होती है तो उसका घाटा नुकसान जो होता है वो हमें नहीं झेलना पड़ेगा। वो किस कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। अगर गाड़ी चोरी हो गई और गाड़ी का इंश्योरेंस है तो हमें नुकसान नहीं होगा, गाड़ी का इंश्योरेंस कंपनी हमें गाड़ी की कीमत मिलेगी। मकान में कोई हादसा हो जाता है, मकान का मैंने बीमा ले रखा है तो मकान का जो नुकसान हुआ वो पैसा मिलेगा। दुकान में कोई नुकसान हो जाता है, आग लग जाती है, कुछ भी होता है, उसका इंश्योरेंस लिया तो वो भी नुकसान मिलेगा। तो हर चीज़ के लिए हमें, जहाँ पर मेरा नुकसान होता है उसके लिए इंश्योरेंस खड़ा है, और इसको लोग नज़रअंदाज करते हैं। और हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि चोट लगने के बाद अगर आपको याद आए तो क्या याद आया, पहले याद करो, पहले इंश्योरेंस कराओ। अगर आप बीमार हो गए या पैसा खर्च हो गया, लग गया, तब कहने लगे अरे लालू जी से बीमा करवा लें, तब याद आ रहा है। और फिर हम कहेंगे अब बीमा मिलेगा नहीं क्योंकि आपको कोई बीमारी डायग्नोज हो गई, ऑपरेशन हो गया, फिर हम बीमा देंगे नहीं, हम क्या कोई कंपनी देगी। और अगर लाइफ इंश्योरेंस है, अगर कोई परिवार में घटना घट गई उसके बाद लोग कहते हैं, खूब रिश्तेदार हितकारी बवारी सब आएंगे, अरे आदमी बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, ऐसे ये करता था, वो करता था, सब कहेंगे, मगर 1-1 लाख रुपए कोई नहीं देगा, सब कह के चले जाएंगे। उनके बच्चों को कौन रोटी खिलाएगा, ये कौन देखेगा? इसके लिए सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही साथ आएगा। इस बात की गारंटी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस देता है और कोई नहीं। आप किसी को भी 1 लाख रुपए दे जाना, 10,000 रुपए दे जाना, उससे कह देना कि मेरे ये 10,000 रुपए ले लो और मेरे परिवार को मेरे जाने के बाद 2 लाख दे देना। कोई देगा? कोई भी नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ साथ देगा लाइफ इंश्योरेंस। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरा कहना है कि
इंश्योरेंस करा के रखें। और कोई भी इंश्योरेंस लेना हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी चाहिए आप हमसे ले सकते हैं। लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग हम जब मार्केट में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम बीमा करा लें बाद में इलाज नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, हम भगा देते हैं। ऐसा कैसे होगा? आज तक मुझे एक बात बताइए कि कोई भी क्षेत्र में एक्सीडेंट से घटना हुई हो और किसी एडवोकेट ने कोई केस लड़ा हो और उसने केस जब लड़ता है तो सिर्फ परसेंटेज पर लड़ता है। एडवोकेट कह देता है तुम कागज दे दो हम केस लड़ेंगे, जब पैसा मिलेगा तब खर्चा दे देना। क्या आज तक कोई भी केस हारा है इंश्योरेंस कंपनी? कोई जीती है जो पैसा नहीं देना पड़े? सब कंपनियों से पैसा मिला है। लेकिन आप गलत नहीं हो, आप अगर इंश्योरेंस लेते समय कोई भी जानकारी छिपाते हो और वो बाद में अगर ओपन हो जाती है तो फिर क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि गलती आपकी है। इसलिए इंश्योरेंस लेते समय सारी जानकारी दीजिए, कोई छिपाओ मत, और छिपाओगे तो बाद में खुल गई तो क्लेम के मामले में फिर मत कहना एडवाइज़र की गलती है, एजेंट की गलती है, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, सब ये कहते हैं। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप सही हैं और क्लेम नहीं मिलता है, आल कंपनियों की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ जो IRDA के अंतर्गत आती हूँ वो कंपनियाँ और इंश्योरेंस कंपनियाँ, अगर क्लेम में समस्या आती है कोई भी, आप सही हैं हम आपके साथ हैं, हमें आप बताइए हम आपका सहयोग करेंगे, कैसे आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन गलती आपकी नहीं होनी चाहिए कि आपने कोई चीज़ छिपाई हो फिर बाद में ओपन हो गई हो फिर क्लेम नहीं मिल रहा है, तो गलती कंपनी की नहीं है ना एडवाइज़र की है, गलती आपकी है। जब आपका शुद्ध शरीर था तब आप सोच नहीं रहे हैं कि बीमा करा लें, जब कुछ हो गया शरीर में तब सोचने लगे अब बीमा करा लें। तो ये चीज़ें आप अपने आप में विचार कीजिए कि जानबूझ के कौन इंश्योरेंस कंपनी, कौन सी कंपनी है जो जानबूझ के आपको क्लेम भी देगी। तो पहले से सुरक्षा लेके रखिए, अगर आप सही हैं आपको क्लेम में कोई समस्या आती है सारी हेल्प मैं करूँगा गारंटी के साथ। और क्लेम की समस्या आती है आल कंपनियों की, हमसे आपने कराया हो या ना कराया हो, कहीं किसी से भी कराया हो, लेकिन पॉलिसी में वर्डिंग पढ़ लीजिए, डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर अगर कह दे कि हम इतनी फीस लगेगी हमारी, और डॉक्टर से आप कहने लगो नहीं डॉक्टर साहब मुझे इतने ही रुपए में ठीक कर दो, तो डॉक्टर साहब पूरी दवा कैसे देंगे, आपने रुपए का फाउंडेशन लगा दिया। तो इसी तरह से हमारे प्लान भी अलग अलग हैं, आप बताइए आपको किस तरह का प्लान चाहिए, तो एडवाइज़र उसी तरह का प्लान देगा। अब आप कहने लगे कि केवल 10,000 में ही सब कुछ दे दो, तो 10,000 में सब कुछ मिलेगा मगर थोड़ा थोड़ा मिलेगा, रूम कैपिंग लगेगी, बीमारियों में कैपिंग लगेगी, सारी चीज़ों में कैपिंग लग जाएगी। फिर आप कहेंगे कि पैसा भी लग रहा है, भाई आपने सस्ता लोगे तो सस्ते ही जैसा काम होगा। इसलिए प्लान लेने से पहले उसकी वर्डिंग जरूर पढ़ें सारी, उसमें क्या लिख रहे हैं। लोग आप ऑनलाइन पॉलिसी ले लेते हैं सस्ते के चक्कर में, लालू बता रहे हैं महंगी, ऑनलाइन मिल रही है सस्ती, ऑनलाइन सस्ती ले लो, और क्लेम के टाइम पर फिर ऑनलाइन ही ढूंढो, कोई आता है साथ में? और लालू ने अगर कुछ कर दिया गलत, लालू ने अगर पॉलिसी गलत दे दी तो लालू को घर पहुंच जाएंगे, लालू से मिलेंगे, लालू से फ़ोन बात करेंगे, सब मिलेंगे। तो इसलिए लालू आपको गलत पॉलिसी नहीं बताएगा, महंगी देगा अच्छी देगा, ताकि आपके साथ हमेशा मुझे खड़ा रहे। इसके लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्त, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, सभी जगह बोलिए कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी जानकारी लें
तो मेरा मोबाइल नंबर है 9058259503। सभी प्रकार की जानकारी हम आपको देंगे इंश्योरेंस के मामले में कि हम क्लेम कैसे लें, बीमा कौन सा कराएं। तो आशा करते हैं हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।